Special because we have friendly stuff and Okay, like we okay. have tours also. Okay. And what is the cost for per night? Cost for one night, Per night. like if you're staying long, it's 4,000. Okay. If you're All staying right. like more than 1 month. Okay. And what are the specialties? Like जाता है भाई, वो 14 दिन जो का पैसे मिल लगते जाता हैं, है पैसे लगते हैं कि फ्री में हो जाता है? ना पीछे। जस्ट टेंगी कुछ टेंगी चाहिए, हाँ, एक थोड़े थोड़े एक टेंगे लेते दो तीन हैं। हजार हजार टेंगी चाहिए, थोड़ा मिल अच्छा, जाता है भाई कर देते आपको। हैं वो साथ के साथ कर रिजेक्शन देते वाले। हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रुबिन दीवान आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कजाकिस्तान के वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में। कैसे मिलता है, क्या प्रोसेस है, जाना कैसे है, कितना खर्चा आता है, फ्लाइट कौन सी जाती है, कैसे मिलती है, मतलब सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अभी रिसेंटली सोहेल है मेरे साथ, और सोहेल रिसेंटली क्या अभी भी कजाकिस्तान में ही है, और तो हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। तो सोहेल वेलकम, कैसे हो? अच्छा हूँ, आप कैसे हो यार? बढ़िया बढ़िया। अच्छा सोहेल, कितने टाइम से वीडियोस फॉलो कर रहे हो और कितनी हेल्प मिलती है आपको? अच्छा भैया आपका तो मैं वीडियो 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ और अच्छा बहुत पेशेंस से ज्यादा फॉलो करता हूँ तो आपको, आपकी इन्फॉर्मेशन वजह मिली से ही। आपको हाँ काफी? हाँ आप बहुत इन्फॉर्मेशन मिली भैया यहाँ पे आने तक। आपका यानी कि हर वीडियो देगा, कजाकिस्तान का जो वीडियो आपने दिया था वो भी देखा। तो बाद में मैं सोचा प्लान करता हूँ कि कजाकिस्तान घूम के आए, ये प्लान किया था भैया। ठीक है। तो सोहेल आप बताइए कि आपने बोर्डिंग कहाँ से करी? मैंने बोर्डिंग दिल्ली से की। दिल्ली एयरपोर्ट से करी, और दिल्ली में फिर जब बोर्डिंग लेने गए आप, तो कुछ पूछा, क्वेश्चन पूछा कि भाई वीज़ा नहीं आपके नहीं पास, कहाँ जा रहे हो? भाई, नहीं नहीं भाई, कजाकिस्तान के लिए इतना कुछ नहीं पूछते, कुछ अच्छा भी नहीं पूछा, सिर्फ बोर्डिंग पास लिया। और इमिग्रेशन में नहीं पूछा कि क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये कोई भी कुछ नहीं पूछा, कोई कुछ नहीं सिर्फ पूछा। टिकट तो की सोहेल, दाखिल स्कैन लिया, डॉक्यूमेंट हो गया डॉक्यूमेंट आपने रेडी रखे थे या कुछ नहीं था? ना। डॉक्यूमेंट से भी तो ऑनरेबल है भैया, 14 दिन के लिए ऑनरेबल है यहाँ तो इतना इतना मुश्किल नहीं है। तो होटल बुकिंग डॉक्यूमेंट वगैरह, सिर्फ ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह, ये कुछ? अगर होटल बुकिंग वगैरह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हॉस्टल का बुकिंग कर देंगे तो अच्छा होगा, पूछ भी सकता है इसलिए हॉस्टल। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि वो ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कुछ था। नहीं और कौन सी एयरलाइन से आपने है। ट्रैवल किया? ये अस्थाना से एयर अस्थाना से आपने ट्रैवल किया, तो डॉक्यूमेंट उन्होंने कोई खास पूछे नहीं आपसे, और बड़े आराम से आप आ गए, इमिग्रेशन पे कोई क्वेश्चन नहीं किया? हाँ, लेकिन वहां पे पूछते हैं कि अगर आप कजाकिस्तान पे आओगे, जब इमिग्रेशन में आओगे तब पूछेंगे कितने दिन रहोगे, यानी कि कहाँ पे रुको, ऐसे और कुछ भी नहीं, लेकिन जाने देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट आ सकते हो, कोई भी दूसरा यानी कि वे दुबई वगैरह नहीं चाहिए, सीधा आप तो इंडिया जो से। आपकी फ्लाइट थी दिल्ली से कजाकिस्तान, डायरेक्ट फ्लाइट थी या वाया फ्लाइट थी? ना भाई डायरेक्ट फ्लाइट थी, डायरेक्ट फ्लाइट थी आपकी। कितनी हाँ डायरेक्ट कॉस्ट फ्लाइट आई आपकी फ्लाइट पर, आना और जाना दोनों? लगभग 25 25 हजार। लेकिन मैंने थोड़ा और पहले गया ना तो और भी कम मिल सकता था, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ज्यादा लेकिन कर दी पच्चीस हजार इसलिए में ज्यादा आपका आना मिला। जाना हो गया। ठीक है। नहीं भैया सिर्फ जाना, अच्छा, जाना यहाँ जाना आना सिर्फ जाना नहीं पच्चीस हजार इसका। में? हाँ हाँ कॉस्टली है यहाँ पे कजाकिस्तान का एयर जो है सौरभ थोड़ा कॉस्टली है। कॉस्टली है तो फिर। अच्छा, आने की आपने नहीं करी थी या कर रखी थी? नहीं, आने के नहीं, वो डामी था, वो अच्छा, बाद में अभी करेंगे। अभी करोगे? ठीक है, तो ऐसा था, आपने ऐसा कर सकते हैं बंदे, मतलब कोई इशू नहीं है अस्थाना, एयर डामी टिकट अस्थाना भी से। करेंगे तो कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, जब आप पहुंचे इधर कजाकिस्तान में, ठीक है, अलमाटी ये कहाँ? मैं पहले पहुंचा अलमाटी पे, अलमाटी से फिर 2 3 4 दिन के लिए मेरा नहीं, फ्रेंड थे अलमाटी अक्ताऊ, में, यहाँ पे एक पीते हैं। हाँ अलमाटी में इमिग्रेशन पे कुछ कुछ क्वेश्चन कुछ पूछा? अलमाटी पे सिर्फ ये पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो, ये कहाँ पे रहोगे, ये सिर्फ इतना कुछ नहीं पूछता, सिंपल तो फिर सिंपल था, दे दिया। सिंपल। हाँ स्टम्प दे दिया। ठीक है, तो अभी आप कहाँ पे हो कजाकिस्तान में? मैं अभी अलमाटी पे ही हूँ, मैं मरकोबा 22 21, यहाँ पे एक हॉस्टल है अलमाटी ब्रेक पैकर्स, एक हॉस्टल है यहाँ पे, बहुत अच्छा है ये हॉस्टल भी, बहुत अच्छा है यहाँ पे लोगों का, यानी कि फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली होते हैं ये लोग, बहुत अच्छा ही लगा यहाँ पे। यहाँ पे मेरा मेरा बहुत दोस्त भी है यहाँ पे, ओके भाई ब्रादर है, देखा हूँ आपको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दिखाइए। ये मेरा और एक भाई है यहाँ से घूमने के लिए आए पंजाब से। हाँ अच्छा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ये बढ़िया। आपकी मैनेजर है, हेलो।
हाय हाउ आर यू? आई एम इट्स फाइन, माय थैंक यू. ब्रदर. ओके, आर यू इन इंडिया? यस यस, इंडिया. आई एम इन इंडिया राइट नाउ. आई एम इन इंडिया राइट नाउ. या व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज रॉबिन, रॉबिन दीमान. Robin Diman. Oh, या okay. My name is Gariba. ओके, नाइस Nice नाइस to meet टॉकिंग, you. नाइस टॉकिंग टू यू. एंड व्हाट अबाउट योर हॉस्टल? व्हाट अबाउट योर हॉस्टल? टेल मी समथिंग, लाइक हाउ इट इज स्पेशल फॉर एवरीवन, फॉर एवरी ट्रैवलर्स. It's special because we have friendly staff and ओके like we ओके have tours also. ओके. एंड व्हाट इज द कॉस्ट फॉर पर नाइट? Cost for one night, पर नाइट like if you staying long, it's 4,000. ओके, If you ऑल stay राइट. like more than 1 month. ओके ओके ओके. एंड व्हाट आर द स्पेशलिटीज, लाइक व्हाट वी आर गेटिंग इन ब्रेकफास्ट? वी आर गेटिंग इन दैट इंक्लूडेड? No, only like you having like cleaning here, kitchen, yeah. किचन. बट किचन But इज देयर, you can सो cook here. लाइक हू एवर इज कमिंग, ही कैन कुक द फूड राइट बाय हिज ओन. Yeah, by ओके some. ओके ओके. एंड लोकेशन लाइक फ्रॉम सिटी सेंटर हाउ फार इज दैट? Yeah, but it's not like too far. It's like really near. There are like a supermarket nearby and markets too. ओके. सो इट्स वेरी नियर राइट, सो इट इज इजिली एक्सेसिबल राइट, एवरीबडी कैन कम Yeah, बाय it's really बाय वॉक. accessible. ग्रेट ग्रेट, गुड टॉकिंग टू यू, नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच. थैंक यू टू. हाँ भैया, आप भी किचन भी देखो, मैं आपको दिखाता हूँ. किचन नीचे ही किचन है, ग्राउंड ये में. स्टेयरिंग बड़ी अच्छी लगी मुझे यार, जैसे आप सीढ़ी पे ये आप देखो भैया, ये किचन है, यहाँ पे सब पकाते हैं. हाँ, ये भी उनका स्टाफ ही है, ये लोग यूके से है. यूके भाई, ब्रो हेलो, हाउ आर माय यू? ब्रदर. हाय. हाँ, ये भी पंजाब से है मेरा भाई. ओके हाँ, पंजाब ओके. से. और ये हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया और ये बढ़िया. यहाँ के मैनेजर है ये. हे हाँ गुड. हाउ उनको तो भी खाने में बिजी है काफी यहाँ पे. हाँ, सब तो लोग बिजी है यहाँ पे. और बाहर भी देखो हाँ. यहाँ पे तो इन्होंने कितना बताया चार्जेस? 4,000 समथिंग बताया. हाँ भैया, हाँ, 4,000 टेंगी. ये हमारा गोलू है. ओके 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 ओके. ऑलराइट, तो मतलब इंडिया से काफी लोग हैं यार, काफी लोग रह रहे हैं इंडिया से. हाँ, बहुत सारे यहाँ पे अंकल भी आए, यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं. ये अंकल, हेलो. ये अंकल बहुत दिनों से कैसे है. ए, ए, द, दस दिन हो गया, 10 दिन कैसे हो हमारे सर, साथ है, कैसे दस हो? दिन घूमने. बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, कैसा है सभी सर मिलके रहते घूमना? हैं. घूमने के लिए आना चाहिए इंडियन से, इंडिया के लोगों को वहां पे कैसा है घूमने के हिसाब से? नहीं, आना चाहिए, बहुत अच्छा है. कजाकिस्तान बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा, आप पंजाब से हो? वेरी गुड. हम पंजाब से हैं. ओके ओके ओके, तो अच्छा है, मतलब घूमना बिल्कुल आना चाहिए लोगों को. जैसे रशिया है, रशिया जैसे ही है भी. कुछ अच्छा लोग रशिया के यहाँ रहते हैं, कुछ कजाकिस्तान के हैं. अच्छा, और स्नो का भी बहुत एंजॉय किया, बहुत स्नो पड़ी है यहाँ पर. अच्छा 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 अभी अब तो नहीं पड़ रही, लेकिन क्या, अब तो बर्फ स्नो नहीं नहीं हो पड़ रही ना, रहा. अब स्नो नहीं, नहीं हो रही. अब तो बंद हो गया बर्फ तो अभी. वेदर कैसा है तो अभी, ठंड है या गर्मी है, कैसा है? जैकेट पहन रखी है आपने तो? पहले बहुत था, जब हम आए थे जहाँ, जब तो बहुत था, बहुत ज्यादा टेम्परेचर मेंस था, 30 तक भी चला गया था, मेंस अच्छा 30. सर, एक बात बताइए मुझे, वीजा एक्सटेंड कैसे करा सकते हैं? वीजा एक्सटेंड इमिग्रेशन के दफ्तर में जाना पड़ता है, उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि हमने वीजा रिस्केट कराना है, अच्छा, तो इजीली मिल जाता है भाई, मिल 14 दिन जाता है. का पैसे इजीली मिल लगते जाता हैं, है पैसे लगते हैं कि फ्री में हो जाता है? ना, पीछे जस्ट टेंगी, कुछ टेंगी चाहिए, हाँ, थोड़े थोड़े एक टाइम लेते दो तीन हैं. हजार टेंगी चाहिए. अच्छा हाँ, अच्छा मिल अच्छा जाता भैया, कर देते हैं वो साथ ही साथ, कर देते हैं, हो जाता है, इजी हो जाता है, इजीली हो जाता है. ओके ओके हमने ओके. भी करवाया, अच्छा, तो अंकल भी कराया है, आप और कितने चौदह टाइम से चौदह रह दिन रहे हैं? रहेंगे. अच्छा, 14 दिन और रहेंगे. चलिए, बहुत बहुत अच्छा, अच्छा लगा, बहुत लोग अच्छे हैं यहाँ के. अच्छे हैं लोग. ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये भी सही है. चलो भाई, काफी सारे लोग देखो
इंडिया से सोच रहे हैं कि यार हम भी जाने का प्लान करेंगे, कैसे जा सकते हैं, क्या भाई क्या बहुत करेंगे? इजीली है यहाँ पे। सिर्फ आप यहाँ पे हॉस्टल जो है यहाँ पे बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं भैया। अगर हॉस्टल में आप आओगे, यहाँ पे कोई भी आएगा तो यहाँ पे भैया आसानी से पका सकता है, रोटी वगैरह कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा लेकिन ये हॉस्टल जो है बहुत अच्छा है, अच्छा यहाँ सोहेल पे भाई, मैं आपको इंडियन खाने का क्या, इस इंडियन खाने का हॉस्टल हिसाब किताब क्या है? का इंडियन खाना अवेलेबल हो जाता है? इंडियन खाना? इंडियन खाना भैया यहाँ पे बहुत, आप अगर रेस्टोरेंट में जाओगे बहुत कॉस्टली होता है भैया, ठीक है, बहुत कॉस्टली। लेकिन आप यहाँ पे पकाओगे तो अच्छा ही है। बाहर रेस्टोरेंट वगैरह बहुत कॉस्टली है, यानी अगर आप कोई की